मुंबई हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में पुल की मामूली मरम्मत की बात कही गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक चंद महीने पहले ही पुल की जांच की गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन की लापरवाही आई सामने। पुल पर ट्रैफिक रोकने के लिए भी कहा गया था। बीएमसी ने पुल की मरम्मत को किया नजरअंदाज, सिफारिश पर नहीं दिया कोई ध्यान। बीएमसी के चीफ इंजीनियर के पास था पुल की देखरेख का जिम्मा। मामले में सामने आई लापरवाही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई ब्रिज हादसे में जख्मी लोगों से की मुलाकात। फडणवीस ने कहा हादसे की होगी जांच, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। फुटओवर ब्रिज हादसे में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। रेलवे और बीएमसी अफसरों के खिलाफ धारा 304 एक के तहत मामला दर्ज। बीएमसी कमिश्नर को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का दिया गया आदेश। सामने आया मुंबई ब्रिज हादसे का पहला सीसीटीवी फुटेज। दहशत से भागते दिखाई दिए लोग। मुंबई में कल शाम सीएसटी स्टेशन पर गिरा फुटओवर ब्रिज हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 तक पहुंची। मृतकों में 3 महिलाएं भी शामिल। फुटओवर ब्रिज का स्लैब गिरने से हुआ हादसा। फुटओवर ब्रिज हादसे में 31 लोग हुए जख्मी, 2 की हालत गंभीर। अस्पताल के बाहर मृतकों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। मुंबई हादसे के पीड़ित परिवारों का आरोप, पुलिस ने बरती सुस्ती। हादसे के बाद फुटओवर ब्रिज को तोड़ा गया। रात करीब 9:30 बजे ब्रिज का बचा हुआ हिस्सा गिराया गया। मलबा हटाने में जुटे रहे दमकल कर्मी और पुलिस की टीमें, कई घंटे चला अभियान। मुंबई हादसे में जान गंवाने वालों में 2 नर्सें भी शामिल, जीटी अस्पताल में करती थी काम। हादसे में बेल्ट का कारोबार करने वाले जाहिद की भी मौत। पिता के साथ पुल पार कर रहे थे जाहिद, पिता घायल। और भी भयानक हो सकता था मुंबई हादसा। रेड लाइट होने की वजह से पुल के नीचे नहीं थी भारी भीड़। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए सिर्फ 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को 50,000 की मदद। जमीन से 35 फीट ऊंचा पुल, 40 साल था पुराना पुल, की मरम्मत पर उठे सवाल। हादसे के बाद शुरू हुआ जिम्मेदारी ट्रांसफर करने का खेल, बीएमसी और रेलवे पर उठे सवाल। सूत्रों से खबर, बीएमसी के पास थी पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी। बीएमसी की दलील, रेलवे को दिया था मरम्मत के लिए फंड। राज्य सरकार ने भी माना पुल को थी हल्की मरम्मत की जरूरत। पुल के ऑडिट के काम में नहीं सामने आई जर्जर हालत की बात। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।